तहसील चौक का सुबह सुबह का नजारा और बड़ी यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है दिन के टाइम पे, बस भाई सन्नाटा है। आपका क्या कहना है, आपका विजिट कैसा चल रहा है? बहुत खराब है, हालत खराब है, कुछ नहीं है, चाय पी रहे हैं देख लो। तो आपने चकली क्यों नहीं खा ली? बजट नाम की कुछ चीज अब गई नहीं। तो क्या आप पे पैसों की कमी है? हाँ बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, पैसों की कमी की वजह से चाय भी डिस्पोजल में भेजी पड़ी है। अंकल जी भी साथ देते हो उधर से? जैसे कंगाली आ रही है, देखो अंकल जी ने भी साथ दिया हमारा। खाली चाय पीनी पड़ रही है, ये नो बता रही है। वीडियो बनाने के चक्कर में ये नो बता रही है। सस्ता व्लॉग, सस्ता व्लॉग में भी हम सस्ते से भी सस्ता हो गया हमारा। तुम्हें बताया एक व्लॉग बनाने में कितना खर्चा होता है, कितनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, फिर पब्लिक लाइक नहीं करती है, तो इस बात का हमें अच्छा नहीं लगता। तीन चीजें करनी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो आपके आगे के क्या प्लान है? आगे के प्लान बहुत सारे हैं। जैसे जैसे अभी आगे चल के चाय पी, चाय कंप्लीट कर ले। हाँ चाय कंप्लीट, मैंने चाय ठंडी होने के लिए रखी है। चाय ठंडी होने के बाद कौन पिएगा? वैसे भी मैं पीता हूँ, तीन की चाय चार में करवा के पीनी पड़ रही है एडजस्ट। ओके गाइस, हम निकल रहे हैं सुरकंडा के लिए। आइए अलग सी ये स्पेंडर प्लस पे आज दूसरे लोग जा रहे हैं, हम अवेंजर पे आ रहे हैं। अवेंजर पे आज थोड़ा सस्ता लोग महंगा होने जा रहा है, थोड़ा सस्ता हल्का सा पूरा महंगा हो गया। 1000 रुपए की चपात लग चुकी है। अब देखते हैं आगे। अभी हम रायपुर से निकल चुके हैं, यहाँ से 68 किलोमीटर है सुरकुंडा, और सुरकुंडा जाने के तीन रस्ते हैं मेनली जिनके बारे में लोग जानते हैं। एक पहला है आपका वाया मसूरी, सेकेंड है आपका नरेंद्रगढ़ चंबा वाला, एंड थर्ड है आपका जिस रास्ते से हम जा रहे हैं। इस रास्ते पे हमने पहले ब्लॉगिंग भी कर किया, कद्दू खाला वाला रास्ता, हम वहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से 68 किलोमीटर है और ये रास्ता थोड़ा एडवेंचर टाइप का है, तो हमने सोचा हम इसी वाले रास्ते से जाते हैं। भाई जी ये बहुत ही फेमस मंदिर है यहाँ का, सुरकंडा देवी। सुरकंडा माता का मंदिर क्यों इतना फेमस है? आगे रास्ते में चलते चलते हम आपको दिखाते रहेंगे कैसा क्या है। और ऊपर से क्या कहते हैं, ये शिव जी की पहली पत्नी सती की वजह से मंदिर का निर्माण हुआ है जी। और क्यों हुआ है ये आगे आप ब्लॉग देखते रहिए, हम आपको बताते रहेंगे। और हम यहाँ से चल दिए, रायपुर से चल दिए, हम से निकल गए हैं मालदीव तक के लिए। अपने दोस्त भाई लोगों, आज हम अपने दोस्तों को सपोर्ट करने आए हैं सस्ते ब्लॉग में। सस्ते ब्लॉग को थोड़ा और सस्ता करते हुए आज हम भी सेंटर में आ चुके हैं। महंगा कर दिया बेटा, आज सुबह 1000 रुपए का खर्चा हो गया सस्ते ब्लॉग में। बाकी ये सस्ता ब्लॉग है, वाकई ये दिखावटी बात नहीं है कि हम सस्ता ब्लॉग बना रहे हैं, लेकिन ये हमारी रियलिटी है, हमारी अंदर की कहानी है, हमारी जेब में कुछ नहीं है। तो इसलिए नमस्ते किसी सस्ते ब्लॉग को सपोर्ट करने हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी जेब में वाकई कुछ नहीं है, हमारी रियलिटी है दोस्तों, इस बात को समझो और सब्सक्राइब करो कि आने वाले हम धीरे धीरे और नए ब्लॉग लाते रहे आपके लिए। भले बजट हमारा कुछ नहीं है, बजट आएगा।
जब आप एक अंगूठा लाइक सब्सक्राइब करोगे तो हमारा जरूर एक बजट आएगा बजट आएगा भाई ये दोस्तों प्लीज सपोर्ट है सपोर्ट करें हमारे चंद्रपति बाबा को इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम फेसबुक और ये टिकटॉक टिकटॉक पे विक्की बाबा की आईडी के नाम से बोले और ये दूसरे भाई हमारे गिटारिस्ट है जिनको भी आप फॉलो कर सकते हैं सोलो ऑफ हिमालिया ये है मालदेव के गांव का साइड अंदर का और दोस्तों यहाँ से भी दो रास्ते हैं एक बहुत ज़्यादा एडवेंचरस वाला और एक कम एडवेंचर वाला हाँ जो ये वाला रास्ता है ये मोड़ ये सबसे ज़्यादा एडवेंचरस है ये वाला कम एडवेंचरस है ये सबसे ज़्यादा एडवेंचरस है गाइस तो इससे नहीं जा रहे हम इससे जाएंगे गाइस हम लोग जा रहे हैं एडवेंचरस वाले रास्ते से ये देख लो भैया ईंटों वाला रास्ता है अब है रास्ते की जो जो देसी भाषा में बोलो खड़ंजा जो भयंकर के गांव में होता है वैसे खड़ंजा देख लो इट्टी ये हाँ ये हमारे साइड बहुत होती है चीज़ हाँ और वॉइस के लिए थोड़ा माफ कर देना क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वॉइस में थोड़ी दिक्कत आती है बस यार उससे चल लेते कम से कम रास्ता तो सही था और हमारे कच्चे नींबू की फटने लग गई है रास्ता इतना देख के यार भयंकर हर किसी की फटेगी मैं तो इधर नज़ारे पे ध्यान ही नहीं रख पा रहा भाई बाइक पे ध्यान बाहरी रास्ते में तो अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी ये वाली बात हाँ भाई जिस हिसाब से ये रास्ता है उस हिसाब से तो पार्ट वन पार्ट टू से ही है और जिस हिसाब से अपने कच्चा भी मुँह की फट रही है खास तौर पे बहुत ही औसम रास्ता भाई अभी थोड़ी देर में ये रास्ता इतना भयंकर हो जाएगा यकीन नहीं मानेगा तो भाई की भयंकर सच में ऐसा है ये रास्ता जब चढ़ाई आएगी चढ़ाई नहीं है चढ़ाई नहीं है चढ़ाई है ही नहीं ज़्यादा थैंक गॉड भाई मेरी चढ़ाई से बढ़ती है और कहीं से नहीं बढ़ती ना ना तो चढ़ाई में मुझे दे देना नहीं नहीं मतलब अगर रास्ता ऐसा हो तो चढ़ाई ये तो दिखाना है क्या बोलती है पब्लिक क्या बोलती है पब्लिक मेरे जिगर के चल लो आ गया हूं ये देखो यहां पे आओ मेरे जिगर के चल लो कैसे हो मेरे जिगर के चल लो देखो हम तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं मेरे जिगर के चल लो तुम्हें क्या दे रहा हूं और आखिर हमारे दोस्त ने बाइक को गिव अप कर दिया है हमारे हवाले ऑफ कर ना गाड़ी ऑफ कर रास्ता देखते यार तुम रास्ता तो कुछ ज्यादा खतरनाक है अपने कच्चे नींबू ने गाड़ी छोड़ दी थी स्टैंड लगा लियो भाई इतना अच्छे रास्ते पे एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को चलाने का गाड़ी देख लो यार तुम ये रास्ते है भयंकर ऐसा लग रहा है किसी नदी में निकल के जाना पड़ रहा है भयंकर गाड़ी चलाने और ऊपर से स्प्लेंडर सस्ता ब्लॉग कैसे बनाओगे आंटी की आंटी लोगों की भी स्लेंडर पास है वो भी बेचारी उतर गई है ठीक अब नहीं बनाऊंगा हम लोगों ने ये रास्ता ईजाद करा है मेरे कहा था ना लेह लद्दाख का ट्रिप भी आपको फीका लगेगा बेकार सा नहीं भाई रास्ता एडवेंचरस है हाँ मतलब एडवेंचरस भी है यार मतलब सही है मतलब काफी कुछ ओ, नीचे दिखा जैसे कि मैंने सीखा है यहाँ पे गिव अप नहीं नहीं ऐसे जगह गिव अप करना बहुत अच्छा है भाई अभी हमने 20 किलोमीटर भी कवर नहीं करा है रास्ता इतना खतरनाक है ओ माय गॉड ये देखो भैया हाँ गाइज अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो ग्रुप में आ रहे हो या चाहे कैसे भी आ रहे हो ज्यादा एक चीज का ध्यान दें प्रकृति के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं हाँ यहाँ पर कुछ टाइम पहले की बात है चार पाँच साल हो गए थे तो हम लोग ग्रुप में आ रहे थे जरा दोस्तों के साथ तो इसी जगह की बात है हम लोग यहाँ पे आराम से अपना सारा सेटअप लेके आए थे कुकिंग करने के लिए सब सामान था हमारे पास हम लोग कर रहे थे उस दिन बारिश हुई थी हल्की तो क्या हुआ हमारे साथ के कुछ दोस्त दारू पी के इधर हरकतें करने लगे कोई बोर्ड ऐसे हिलाने लग गया साइन बोर्ड हो गया तो हम लोग नदी की तरफ जा ही रहे थे तो सब लोग अब डांस वांस कर रहे थे गाड़ी थी हमने म्यूज़िक ऑन कर रखा था तो क्या हुआ एक लड़का उसमें नदी की तरफ जाने लगा हम लोग उसको रोक रहे कि क्या हो गया क्या हो गया वो अपने आप ही चलते रहा हम लोग बोला क्या हो गया तो कुछ हमारे साथ कोई लड़के उसको पकड़ के लेके आ रहे थे तो वो
जाने की कोशिश कर रहा था, बार बार नदी के अंदर जा रहा था, तो वो भाई जी वो हो गया था तुम्हारा पजेस हो गया, तो इस चक्कर में मतलब यहाँ बोलते हैं कि ज़्यादा शोर शराबा ज़्यादा, मतलब अगर तुम पत्थर वत्थर फेंक रहे हो तो ये चीज़ें ये हरकतें ना करो, प्रकृति का लुत्फ उठाएं। हाँ मजे लो, मजे लो, ये समझ बट खिलवाड़ नहीं। फिर उसके साथ हो गया था जो कांड, हमने बड़ी मुश्किल से उसको संभाला। देख लो भाई उसके अंदर मतलब कुछ आत्मा आत्मा आ गई थी। देखिए लोकेशन भी ऐसी लोकेशन टाइप की है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, पर ये है कि आप नजरिया कैसा। बिल्कुल कोशिश ये रहे अगर आप कभी भी यहाँ पे कुकिंग वगैरह कर रहे हो तो नदी के बिल्कुल किनारे और पहाड़ से के ना करें, क्योंकि पत्थर गिरने का बहुत डर है, लैंड स्लाइडिंग हो रही है। और यहाँ पे भी हमको मीम मिला है एक बहुत प्यारा, आंखों से गोली मारे पबजी के चिप्स और प्रिया प्रकाश पी वेरियर का आंखों से गोली मारे। सीरियसली ये और देखिए इसमें एक चीज और है, प्री गिफ्ट इनसाइड, ये तो बहुत औसत। तो समझ में आता है कि आंखों से गोली मारे पर गोली उंगली से निकलती क्यों नजर आ रही है। ये टिकटॉक वाले स्टार है, इनकी सिर्फ उंगलियों से गोली निकलती है। और हमारे टिकटॉक स्टार इस पे कुछ बोलना चाहेंगे। भाई जी क्या आपके हाथ से भी गोलियां निकलती है? दिखाना जरा गोली, एक हवाई फायर करना। यहाँ का नाम है मारा बैंड छमरोली ग्राम सभा। ये किस में आता है, देहरादून में आता है या फिर देहरादून में आता है? और ये देखो गाइस ऊपर तक ऐसी हो गया रास्ता सारा, मसूरी तक ऐसी है रास्ता, लोग कैसे ट्रेवल करते हैं। विक्की बाबा क्या कहना है आपका लोकेशन के बारे में? लोकेशन देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस, ये लोकेशन हमें कहीं नहीं मिल पाती है। हम बड़े बड़ी सिटियों में रह चुके हैं जैसे दिल्ली बॉम्बे नागपुर पुणे, लेकिन हमें वहाँ इतना वो क्लियरिटी वो नेचुरलिटी हमें नहीं लग पाई जो हमें यहाँ आके इतना नेचुरल दिख रहा है। हवा ठंडा बिल्कुल ताजी हवा मिलती है, सुबह अच्छा उठना, आदमी स्वस्थ रहता है यहाँ पर रह के। और बड़ी सिटी में पॉल्यूशन की वजह से हर एक आदमी बीमार है, इसलिए मैं तो यही एक आदमी को करना चाहता हूँ कि सभी अपना एक एक मकान यहाँ लेके अपने सर्दियों का टाइम इधर। मैं कह रहा हूँ भाई ये डेढ़ घंटे का बनेगा ये ब्लॉग, जिस हिसाब से बातें चल रही है, अपना सर्दियों का टाइम स्पेंड कर अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये वैकेशन के लिए आ सकते हैं आप, बड़ी प्यारी लोकेशन है, रास्ता खराब है पर इस रास्ते को पार करना मतलब वर्थ इट है। मेरे ख्याल से वो मकान पे कुछ सुखा रहे हैं ना, वो फूल फाल से वो मिर्च है। मिर्च है, ये होता गांव का मतलब। जिस हिसाब से भयंकर यहाँ लोग रहते हैं भाई, उनको अपना देखने साग सब्जी का जुगाड़ करना पड़ता है। अबे वहाँ एक बाइक भी जा रही है भाई, नहीं यकीन नहीं मानेगा तू, वो देख बाइक जा रही है भाई। ये देखो जो नीलस में है ना वो गोर की है, ढकर की है, बाइक है भाई, क्या बात कर रहा है, बाइक है, बाइक का कवर है उसमें, देख उसके शीशे के बाहर आ रही है। हाँ वो देखा, और रास्ता देख सकते हो गाइस आप, पूरा स्टीव है, इतने खराब रास्ते से भयंकर वो लेके जा रही बाइक। भाई साहब जिगरा मानना पड़ेगा वो भयंकर। और कौन सी होगी, स्प्लेंडर प्लस, वो देख स्प्लेंडर प्लस है भाई, वो देख रहा तो स्प्लेंडर प्लस का कमाल। मैं तो सीरियसली भाई मैं तो गाड़ी अलग से खड़ी करता भाई, चाहे कंधे पर उठा के लेके जानी पड़ती, पर यहाँ से चला के कभी नहीं लेके जाता भाई। रास्ता ऐसा है मुझे तो लग नहीं था रास्ता ही नहीं। और हमारा सस्ता वो रास्ता है, ओ फक उतर के आ रहा हूँ, उतर जाऊँ मैं? हाँ उतर जा, मैं उतर के आ रहा हूँ, आराम से निकालना ब्रो। भाई देख लो रास्ता ये है, भाई साहब रास्ता देखो, तुम रास्ता देखो।
चलो कर लो जल्दी। भाई यार इतने लंबे सफर के बाद हमको आ पहुंचे हैं सुरकंडा देवी के मेन मार्ग पर, जो कि बस हमसे अभी 10-15 किलोमीटर दूर है। अभी जिस जगह पर हम हैं ये है सिंगा की धार, कोई जगह का नाम है। ये है यहाँ से नज़ारे, ये है यहाँ से व्यूज, वही व्यूज जो हमको यूट्यूब पे नहीं मिलते, वो व्यूज जो हमें यूट्यूब पे नहीं मिलते यार। तो गाइस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जरूर यार, मतलब यार शेयर करें यार, ऐसे एडवेंचर्स करते रहेंगे, करते रहेंगे, लोगों को सपोर्ट करेंगे। है यार आप व्यूज और सब्सक्राइबर तो दो यार, आप बोलोगे चांद पे जाके ब्लॉग बना देंगे यार, कंटेंट हम उतना अच्छा देंगे। एक बात तो यार, जो पहाड़ की जो दुनिया है ना वो बहुत ही खूबसूरत है यार, मतलब प्योर नेचर जिसे कहते हैं वो पहाड़ में देखने को मिलता है, शुद्ध हवा, हर एक चीज़, मतलब इतना अच्छा लगता है कि मन करता है कि यार बस यहीं वादियों में कहीं खो जाओ। हाँ, और इस धरोहर की भी अगर हमने सुरक्षा नहीं करी ना तो ये भी कुछ सालों बाद है, यही है यार, हमें बस अग्रेस ही हो जाएंगे। नेचर को बहुत सुरक्षित रखना है, लोग वगैरह बहुत गंदा करते जा रहे हैं आजकल, ये चीज़ों से बस हमें साफ रखना है, हम कितना साफ रखेंगे। क्योंकि यार पहाड़ ही हमारी धरोहर है, सब कुछ हमें पहाड़ों से मिल रहा है, जो हमारी नदियाँ हैं, जो हमें हमारे प्लेन्स तक पानी पहुँचता है वो कहाँ किस वजह से पहुँच रहा है, पहाड़ों की वजह से। अगर पहाड़ ना हो तो भाई कुछ नहीं है, जितनी भी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, गंगा है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी है, वो सब पहाड़ों की देन है भाई, मतलब हमारे जीवन में पहाड़ों का रोल एक तरह से एक पिता के समान होता है। जैसे पहाड़ हम खड़े हैं ना, जैसे हमारे पिताजी हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, वैसे हमारे ये पहाड़ भी है, तो पहाड़ों को हमें जितना है संरक्षण करके रखना है। और पहाड़, अरे यार यार सुआ खोली देखो यहाँ से, मसूरी 12 किलोमीटर और सुआ खोली 1 किलोमीटर। से आए हैं और उसके बाद मैं अजय का इंटरव्यू लेना चाहूंगा। अजय बहुत प्यारा व्यू है भाई, रास्ते ने तो बस क्या बोलूं, मैं वर्ड यूज नहीं कर सकता हूं, लेकिन भाई साहब जबरदस्त रास्ता था। ये रोड देख रहे हो भाई, इतनी खुशी हुई ना ये रोड देख के मेरे चलिए पर रोड ऐसी थी ना भाई, इतने मोटे मोटे पत्थर नीचे खाई भाई साहब, ऐसा लग रहा था अगर अभी थोड़ी सी मिस्टेक हुई गाड़ी इधर। देखो भाइयों इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड पड़ रही है, अगले बंदे ने मतलब अपने मोजे उतार के हाथ में पहननी है, सीरियसली गाइस बहुत ठंड हो रही है बहुत। मैटर ऐसा है जब भी आओ ग्लव्स पहन के आओ यार, क्योंकि देख रहे हो अगले बंदे का हाथ वहीं जाम हो गए। ये भी दिखाइए ये बाल दिवस, हैप्पी बाल दिवस। अब लोग हम स्टार्ट होते हैं, अब हमने चढ़ाई चढ़नी है, चढ़ाई चढ़नी है माता जी की, फूलने वाली है अभी, हमने इतने चढ़ा है और सांस फूल गई है। और ये भाई घंटी बजा दे भाई, चलो भाई कर स्टार्ट।
चल भाई तू भी बजा के चल। डेढ़ किलोमीटर की चढ़ाई है, हालत खराब होने वाली है हम सबकी और हमने वहां जाना है और अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है चढ़ाई। तो दोस्तों कैसी लगी चढ़ाई? क्या चढ़ पाएंगे आप लोग? अगर आप लोग चढ़ पाओ तो कृपया मेरे को उठा लेना रास्ते से, हमसे ना पाई। आया मैं पांचवी छठी बार हूं पर स्टिल आई कांट। वो ओए अजय, वो ये वाला रास्ता है। जो अननोन लोकेशन थी ना वो यही है। हाँ तो यहाँ पे हमने बाइक पार्क करी है, उसका नाम है कद्दू खाल और अब हम चल रहे हैं सुरकंडा के लिए। लौकी खाल है मुझे नहीं पता, हो सकता है लौकी खाल हो सकता है। और दोस्तों जो हम टॉप पे चढ़ने के बाद व्यू आएगा, पानी की हाइट है 2750 मीटर और यहाँ से धनौल्टी 5 किलोमीटर है, मसूरी 33, टिहरी 48, कुंजापुरी देवी मंदिर 66, ये मुझे नहीं पता, नरेंद्र नगर 67। तो गाइज सुरकंडा माता का जो मंदिर है उसके पीछे की स्टोरी है वो ये है। सुरकुंडा देवी मंदिर पौराणिक कथा अनुसार भगवान शिव की पत्नी सती ने अपने पिता द्वारा प्रारंभ यज्ञ में, सती के पिता का नाम था राजा दक्ष, तो पिता द्वारा प्रारंभ यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव इस स्थान से सती का मृत शरीर कैलाश वापस ले गए जिसका सिर इस स्थान पर गिरा है। सुरकुंडा देवी मंदिर स्थित है, यहाँ से देहरादून ऋषिकेश चंद्रबदनी वगैरह वगैरह। तो इसकी स्टोरी जहाँ तक मुझे पता है वो ये है कि जो शिव जी की पहली पत्नी थी सती जी, तो सती जी का क्या था, तो सती जी के पिता ने शिव जी को नीचा दिखाने के लिए एक यज्ञ रखा जिसमें भगवान शिव जी को इनविटेशन नहीं दिया गया था। जब उन्हें इनविटेशन नहीं दिया गया था तो वो नाराज होकर उस यज्ञ में चले गए बिना बुलाए। तो राजा दक्ष ने सती को बहुत बुरा भला कहा और उनको वो इतना बुरा लगा कि उन्होंने वहाँ यज्ञ में अपनी आहुति दे ली। और जब ये बात तब बताओ ना, आहुति दे दी, आहुति दे दी यानी कि यज्ञ में कूद गई वो, ठीक है, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था तो वहाँ पे सारे भगवान मौजूद थे जितने अपनी प्रथा में हैं। तो जब ये हुआ तो फिर उसके बाद शिव जी को जब ये बात पता लगी तो वो वहाँ पहुँचे और उनकी तीसरी नेत्र से उन्होंने राजा दक्ष को जला दिया था। देन फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने उनको शांत करा दिया था और इतने क्रोध में थे शिव जी भगवान सती की बॉडी जली हुई लेके कैलाश पर्वत जा रहे थे और भगवान का गुस्सा शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता के बहुत सारे टुकड़े करे थे, उनमें से एक सर का टुकड़ा सुरकंडा देवी मंदिर पे आके गिरा था। तब से जो नैनीताल है वहाँ पे आग गिरी हुई है, ऐसे बहुत सारे लोकेशन है जहाँ पे माता के कोई ना कोई अंग गिरा हुआ है और जिसका मंदिर बना हुआ है। तो एक ये भी है, ये भी एक स्टोरी है। दोस्तों मुझे जो मैंने जो स्टोरी मुझे पता है जिस हिसाब से वो मैंने वो बताई है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट क्योंकि मेरा इतिहास इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, पर जो मुझे पता है मैंने उस हिसाब से स्टोरी बताई थी। ऐसे तो मैं यहाँ ओए हाय प्यारी माँ अम्बे माँ जोतावाली अम्बे माँ जोतावाली अम्बे माँ जोतावाली अम्बे माँ।
रे शंकर शंभो नाथ रे बोले बाबा जी दर तेरे आया जी बाबा बाबा एक बार बाबा जी दर में आया जी वाला कहाँ है यार ऐसे जाए तेरे द्वार में हाँ ठीक है ओके पर भाई पूरा पूरा आना चाहिए पर मजा आ जाएगा समा आ जाएगी हाँ समा बन जाएगी कितना मेरे को था हाँ है तेरा द्वार पहले गान दो भाई को प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी ओ प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी भक्तों की लगी है अभी तक ब्लॉगर भक्त बन चुके हैं ब्लॉगर नहीं ब्लॉगर तो आप तो गाले गाले रे गाले गाएंगे लेकिन भाई थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा लेकिन फिर पॉजिटिवनेस आई है हां थोड़ा गाना आ गया ना जोश आ गया जोश आ गया आया जोश चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है ओए जोश बुलावा से बोल लो सारे बोल लो मैंने सुनिया जय माता दी ऊपर बैठ के आ जाएंगे तो सही की सीटियां मच गई सीटियां तो मेरी भी बच गई भाई कैसा लग रहा है अजय भाई अजय देसी कुछ कम करना पड़ेगा क्या मतलब समझ चढ़ाई कम करनी पड़ेगी चढ़ाई में आना कम करना पड़ेगा चढ़ाई तो भाई पूरी करनी है कुछ भी हो जाए चलो अच्छी बात है आदते हैं तो चेंज करनी पड़ेगी सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना पड़ेगा रेस लगानी पड़ेगी उनको बादल आए जय माता दी ठंड लग गई जय माता दी ऊंचाई है जय माता दी जय माता दी माता का बुलावा जय माता दी घर का बुलावा जय माता दी बारिश का बुलावा जय माता दी जोगी का बुलावा जय माता दी पंडित का बुलावा जय माता दी बिहारी बुलाया जय माता दी ढोलक बुलाया जय माता दी लाठी बुलाया जय माता दी 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 सबसे बड़ी बात जोगी आया जय माता दी जोगी आया जय माता दी जय माता दी जय माता दी सस्ता ब्लॉग प्रेजेंट्स गिटारिस्ट एंड द विक्की बाबा डीजे नाउ प्ले द सॉन्ग प्लीज चलो भाई जोर से बोलो अरे जोर से बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी जोर से बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी अरे मिलके बोलो जय माता दी जोर से बोलो जय माता दी सब बोलो जय माता दी 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 माता का बुलावा हवा बोले जय माता दी टोपी बोले जय माता दी पेड़ बोले जय माता दी जंगल बोले जय माता दी तेरे मन में जय माता दी बादल बोले जय माता दी कणकण में है जय माता दी मन में है जय माता दी जोर से बोल लो जय माता दी 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 या
जोर से बोल लो, वाह 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 क्या साउंड निकली है, जोर से बोल लो, जोर से बोल लो। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं सुरकंडा देवी के मंदिर पे और हमने कितनी चढ़ाई चढ़ी है, ऐसा लग रहा है जैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ गए होंगे हम, बहुत ज्यादा ऊंचा है एंड बहुत बहुत ज्यादा चढ़ाई है। हमारा ब्लॉक कहाँ था, ओके माता के दरबार पे पहुंच चुके हैं, किलोमीटर की दूरी हमने कल तक तय करी है। हमारे देसी भाई से आपको कैसा लग रहा है भाई? यहाँ पे मैं सही बताऊँ तो बहुत ही पॉजिटिव ऑरा फील हो रहा है, मतलब क्या बताऊँ, इतना अच्छा सुकून मिल रहा है ना बहुत ज़्यादा। और हमको एक अपना छोटा भाई भी मिला है, छोटे भाई हेलो, आपका नाम क्या है? हैप्पी लग भी रहा है, आपको देख के हम भी हैप्पी हैप्पी हैप्पी। कोई नहीं, तो ये दोनों भाई बहन मिले हमें और हम लोग पहुंचे हैं, आपका नाम? आकृति का चाचा ये, और हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं सुरकंडा देवी मंदिर में। वाला भैरवनाथ जी का मंदिर है और ये एक्चुअल मंदिर है माता जी का, और आज कुछ ज्यादा ही क्राउड है और दिनों के हिसाब से। नॉर्मली मैं जब भी यहाँ आया हूँ तो यहाँ भीड़ होती है, स्टार्टिंग इधर से है, पर आई थिंक लंच ब्रेक चल रहा है भगवान जी का। एंड गाइस आप देख सकते हो, तब तक हम पहाड़ देखते हैं, बजरंगबली के पास बजरंगबली का भक्त पहले से है। एंड ये शिव जी है, अभी मेन मंदिर खुला नहीं है, रीजन को पता नहीं है। उधर पड़ी तो है बर्फ नीचे, ओ डूड बर्फ पड़ी हुई है, सीरियसली यार ये तो ब्लॉक के नारे नारे हो गए, बर्फ गिर रखी है थोड़ी थोड़ी। आप देख सकते हो स्नो स्नो, जी हाँ भाई और बहनों, सस्ते ब्लॉक पे मिलेगी आपको पहली बार, देहरादून की पहली बार। देख सकते हैं आप मेरे को बता ना, देख सकते हो आप मेरे पीछे जो यहाँ बर्फ पड़ी हुई है, ऐसा लगता है आज हमारी किस्मत ज्यादा ही प्यारी हो गई है, कुछ ज्यादा ही, और हमारे ब्लॉक के बारे न्यारे हो गए हैं। अब आप और भोले के भक्त यहाँ पे चंदन जी, सीरियसली हमें यहाँ बर्फ मिलेगी हमें पता नहीं था। हमारे भक्त लोग, हमारा सस्ता ब्लॉग कामयाब हो जाए भोले बाबा की कृपा से, माता जी की कृपा से, बजरंग बली की कृपा से, सबकी कृपा से। अब हम प्रसाद तो लेके आए हैं पर अब प्रसाद चढ़ाएंगे कहाँ ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे आई थिंक शादी हो रही है किसी की, बजरंग बली की जाए बाबा। अरे यार ये अपने पीठ के पीठ पे टाक देना भाई, मैं दो दो चीज कैरी नहीं कर सकता भाई। एक चीज नोटिस बहुत मजा आया, कितना अच्छा लगेगा यार देख कर। हाँ अलग 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 यहाँ पे ढोल दमाओं में बज रहे हैं, जो उत्तराखंड का पारंपरिक वाद्य यंत्र है जो शादियों में बजता है या किसी अच्छे फंक्शन में बजता है। आपको दिखाएंगे आप किसी की शादी हो रही है तो उन लोग भाई आ रखे हैं। आग पे चलते हैं नंबर भाई, तेरे को रुपए दूंगा मैं एक्स्ट्रा। ओए वो चोटी ली है यहाँ मान दे, चल भाई मैं करूंगा ब्लॉक के लिए। भाई ब्लॉग 1 मिलियन पार अगर इसको अगर पार कर दिया डेर है, पर मेरे को मिलेगा क्या 1 मिलियन व्यूज? हाँ मैं ही बोला ब्लॉग वालों देख लो ये पर चलो नहीं है वो दे दिया। भयंकर 1 मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन व्यू होंगे ये देखो 1 मिलियन व्यूज के लिए बिल्कुल बर्फ में चल गए नंगे पैर। ये भी था वही तो दे सकते हैं कि हमें पता नहीं था यहाँ बर्फ पड़ी हुई है, तो यहाँ बर्फ पड़ी हुई थी एंड पता नहीं कब पड़ी है, अब किसी लोकल से पूछेंगे, पर बहुत औसम व्यू है और मतलब वर्थ इट है अगर आप यहाँ पे आते हो घूमने के लिए। ये है हमारा सुरकंडा माता का टूर सस्ते ब्लॉक के साथ, और इसमें फन है, मस्ती है, इंटरटेनमेंट है, हमने बहुत कुछ बनाया है।
हम गाना गाते हुए ऊपर तक आए हैं और अभी हम यहाँ पे भी गाना गाएंगे। हम गिटार लेके आए थे और हमारा गिटार भी, गिटार का एक तार भी टूट गया था, इतना ज़्यादा गाना बजाया हम लोगों ने। एंड हम एक अभी परफॉर्मेंस देंगे, देन उसके बाद हम यहाँ से लीव करेंगे क्योंकि हमारे भाई को भी लेट हो रहा है बहुत सारे को। अब तो बजा दे भाई, पैसे लेगा क्या? 10 पैसे दे दूंगा, चल बजा। फुल मरे हुए फैला, फुल क्या हो ये? फुल भाई सामने पर का होन बेटी अब लग लग अब लग ले लगी ले अब पी के जला देरा तू ना मदरू चतेरो रेशमी रूमाल सची मुंड मदरू चतेरो अरे बीके जला सुन में रोएगा कुछ भी। चलो सस्ता व्लॉग कर ले, कॉपीराइट का इश्यू ना हो, कॉपीराइट का इश्यू ना हो भाई। करता सासा में डांस, मैं क्लासिक डांस करेगा दादा सासा दा पा 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 सारे गामा पा 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 सा सारे रे 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 गामा 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 पा सा पता पता निशा 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 सी निशा निशा पता नीचे नीचे निशा 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 सा 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 गा 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 पा 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 सा गा मा 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 पा सा निशा 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 रे 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 गा मा गा मा गा मा गा मा गा मा गा 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 सा रे गा मा पा नि सा पा नि सा गा मा गा मा गा मा ने सा पा नि सा पा नि सा Go. Come on now. Yes. Yeah. Sa re ga ma pa ta ni sa 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 re re ga ma 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 pa ta ni sa ni sa re 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 ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma pa ta ni sa ni sa ni sa ni 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 sa 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 re 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 ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma pa ta ni sa ni sa ni sa re 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 ga ma ga ma ga ma 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 re ga ma ga ma ga